मगर मुझे एक नंबर चाहिए, एक नंबर चाहिए। नंबर क्या है? नंबर वो है जो हम इस देश की गरीब जनता को देना चाहते हैं। 6 महीने काम करने के बाद मेरे पास आए, कहते हैं नंबर मिल गया, 72,000 रुपए। नंबर 72,000 है। मैं आपको बताता हूं ये नंबर क्या है। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने दिए, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी को 1,000 करोड़ रुपए। तो ये हमने नंबर निकाला है 72,000 रुपए। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। साल के 72,000 रुपए 5 साल के 360,000 रुपए। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों को, भाइयों और बहनों 5 करोड़ ऐसे परिवार हैं, हमने निर्णय ले लिया है कि जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम की है, उसकी आमदनी हम 12,000 रुपए प्रति महीना कर देंगे। मतलब इन 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 72,000 रुपए हर साल डाल देगी। 5 करोड़ परिवारों को 5 साल के अंदर 360,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल के दे देगी। मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, झूठ है। हमने 6 महीने काम किया, हमने सच निकाला है। सच्चाई है कि 15 लाख नहीं दिया जा सकता, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मगर सच्चाई यह भी है कि 360,000 रुपए हर परिवार को दिया जा सकता है और हम गारंटी करके देंगे। आज किसान आत्महत्या करता है, दिन भर खेती करता है, अपना खून पसीना देता है, उसकी कमाई नहीं होती। देश में जो भी किसान है, किसी भी धर्म के, किसी भी जात के, किसी भी प्रदेश के, कोई भी भाषा बोलते हो, भाइयों और बहनों, अगर आपकी आमदनी महीने में 12,000 रुपए से कम है तो 12,000 रुपए तक आमदनी पहुंचाने का काम हमारा, ये हमारा गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक है। नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये हमारा वायदा है आपसे। जहां भी देखो हिंदुस्तान में, किसी भी युवा से पूछो भैया करते क्या हो, हिंदुस्तान का युवा आपसे कहेगा नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, कुछ नहीं करते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भटकते हैं, एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन में जाते हैं, एक चौराहे से दूसरे चौराहे में जाते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं करते। चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है, नरेंद्र मोदी उसी 24 घंटे में 27,000 हिंदुस्तानी युवाओं से रोजगार छीनता है, छीनता है। जो पहले था वो भी ले लिया, चौकीदार ने अनिल अंबानी को दिया। नोटबंदी की आपसे कहा था
लाइन में खड़े हो जाओ काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप सब लाइन में खड़े हुए भाई और बहनों, उस लाइन में आपको कोई काले धन वाला दिखाई दिया? कोई चोर दिखाई दिया? क्या उस लाइन में अनिल अंबानी खड़ा था, मेहुल चौकसी खड़ा था? ना, हिंदुस्तान के ईमानदार लोग, माताएं बहनें, किसान मजदूर बेरोजगार युवा सब लाइन में खड़े हुए, छोटे दुकानदार, पता नहीं क्या दिमाग में घुस गया इस व्यक्ति के। 8 बजे रात को कहता है 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्दी कर रहा हूं। किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो, कहो, कहेगा पागलपन है। 8 साल के बच्चे से पूछो, भैया 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को रद्दी करने से क्या होगा, वो बता देगा आपको। नुकसान होगा, छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले खत्म हो जाएंगे, मगर नहीं, चौकीदार के दिमाग में ये बात नहीं बैठी। भाई और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, आपके जेब में से पैसा छीनना था और उन्हीं 15-20 लोगों के जेब में डालना था। उनके करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए काला धन सफेद में बदलना था। दो हिंदुस्तान बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी, एक 15-20 अमीर लोगों का और दूसरा किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, छोटे दुकानदारों का। इस हिंदुस्तान में लोग मेहनत करें, दिन भर अपना खून पसीना दें और उस हिंदुस्तान को अपना पूरा का पूरा पैसा दें। वो लोग प्राइवेट हवाई जहाज में उड़े, सबसे अच्छे कॉलेजेस में, स्कूल में लाखों रुपए देकर अपने बच्चों को पढ़ाएं, बीमारी हो तो प्राइवेट अस्पताल में मर्सिडीज गाड़ी में जाएं और ये दूसरा हिंदुस्तान देखता ही रह जाए। कोई बीमार होता है तो उन्हीं 15 लोगों को आप लोग लाखों रुपए देते हो। कैंसर की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है, लाखों रुपए आप जेब से निकाल के देते हो। क्या आपको सपना नहीं देखना चाहिए? क्या सिर्फ उन लोगों को सपना दिखाई देना चाहिए? क्या आप अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बना सकते, डॉक्टर नहीं बना सकते, लॉयर नहीं बना सकते? क्या गलती की आपने? क्या गलती की तेलंगाना के किसान ने? क्या गलती की तेलंगाना के मजदूर ने? सिर्फ नाम अनिल अंबानी नहीं, नाम मेहुल चौकसी नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं है। आप सबको वो मित्र कहते हैं, उनको भाई कहते हैं, मेहुल भाई, अनिल भाई, विजय भाई। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए और इस हिंदुस्तान में सबको जगह मिलनी चाहिए, हर धन को मिलनी चाहिए, हर जात को मिलनी चाहिए, हर भाषा को मिलनी चाहिए, हर युवा को मिलनी चाहिए। और हम लड़ेंगे इससे और हराएंगे इसको, आप देख लेना। यूपीए की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 6% जीडीपी का 6% पैसा हम शिक्षा में लगा देंगे। नए कॉलेजेस, नए यूनिवर्सिटीज, नए इंस्टीट्यूशंस आपके लिए बनाएंगे। आपसे स्कॉलरशिप छीनी गई, वो स्कॉलरशिप आपको वापस देंगे। सरकारी अस्पताल बनाएंगे, नए अस्पताल, कि आप कम से कम पैसे में अपने बच्चों का, अपने माता पिताओं का इलाज करा पाए। नफरत मिटाने का काम करेंगे, देश को जोड़ने का काम करेंगे। गरीबी को मिटाना है, गरीब को नहीं मिटाना है। नरेंद्र मोदी गरीब को मिटाता है, हम गरीबी को मिटाएंगे। और दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट में उनके समर्थन करते हैं, पूरी मदद। गब्बर सिंह टैक्स लाए, गब्बर सिंह टैक्स लाए, छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया,
आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, नोटबंदी लाए चीफ मिनिस्टर कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, तेलंगाना से नरेंद्र मोदी की मदद होती है, रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और लड़ाई बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आप देश में देखिए कौन लड़ रहा है नरेंद्र मोदी से, राफेल का मामला कौन उठाता है? क्या आपके चीफ मिनिस्टर ने राफेल का मामला कभी उठाया? एक बार आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा हां चौकीदार चोर है? नहीं, क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल में चोरी की? पार्टनरशिप है भाइयों और बहनों, पार्टनरशिप है, पूरी की पूरी मदद टीआरएस पार्टी नरेंद्र मोदी जी की करती है, इनके एमपीज नरेंद्र मोदी जी की सरकार की मदद करते हैं और यहां लड़ाई बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, टीआरएस नहीं लड़ रही। पूरा देश जानता है इस बात को, पूरा देश इस बात को समझता है। आप देखिए चुनाव से पहले ड्रामा चलता है, नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी प्रशंसा करेंगे, मगर ड्रामा है भाइयों और बहनों, रिश्ता है इन दोनों का, आप इस बात को मत भूलिए। एक लक्ष्य है नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हटाना, यह लक्ष्य है और लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इनसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और कोई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमें खरीदा नहीं जा सकता। हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं, हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। और आप देखिए नरेंद्र मोदी भी एक ही व्यक्ति पे आक्रमण करता है, एक ही पार्टी पे आक्रमण करता है, कांग्रेस पार्टी पे आक्रमण करता है। पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी मेरी बुराई करता है, कांग्रेस पार्टी की बुराई करता है, टीआरएस की बुराई नहीं करता है। तो आपको यह समझना है, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा कहती है कि हिंदुस्तान को बांटो, अलग करो हिंदुस्तान, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ, एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाओ और पूरा का पूरा फायदा 15-20 लोगों को पहुंचाओ। और दूसरी विचारधारा कहती है नहीं, एक हिंदुस्तान होगा, इसमें सबको जगह मिलेगी, सबकी रक्षा होगी, सब लोग सपना देख पाएंगे, 15 लोगों को फायदा नहीं होगा, करोड़ों लोगों को फायदा होगा, मनरेगा बनेगा, भोजन का अधिकार होगा, आदिवासी बिल होगा, न्याय योजना होगी, हरी क्रांति होगी, सफेद क्रांति होगी, कंप्यूटर क्रांति होगी, टेलीकॉम रेवोल्यूशन होगा। ये कांग्रेस पार्टी की सोच। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप सबको मिलकर टीआरएस और नरेंद्र मोदी को हराना है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है। रिकॉर्ड देख लीजिए आप, 5 साल से मेरे भाषण सुनिए, नरेंद्र मोदी के सामने कौन खड़ा आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी आरएसएस किस पर आक्रमण करते हैं आप देख लीजिए, किससे लड़ते हैं आप देख लीजिए, किससे डरते हैं आप देख लीजिए। क्योंकि हम हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं,
हम किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की। सबसे बड़ी मुश्किल देश के सामने रोजगार। नरेंद्र मोदी रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है, किसानों के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है। बैंक का पूरा पैसा 15-20 लोगों को। हमारी सरकार आएगी, जो चाबी इन्होंने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या के हाथ में कर रखी है, दे रखी है, उसको हम छीन के देश के युवाओं के हाथ में डाल देंगे। क्या सिर्फ देश में सिर्फ अनिल अंबानी बिजनेस चालू कर सकता है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया, उसने जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया, सिर्फ नाम अंबानी, अनिल अंबानी।